हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लैपटॉप को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि मेरे अलावा कोई भी लैपटॉप को ओपन नहीं कर पाए। ओपन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी। हम आते हैं, सबसे पहले अपने विंडोज की पे यहाँ क्लिक करते हैं, फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अकाउंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे साइन इन ऑप्शन में जाते हैं और फिर यहाँ पे विंडोज हेलो पिन में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड करना है हमें। तो लेकिन अभी ये बता रहा है यू मस्ट ऐड ए पासवर्ड बिफोर यू कैन यूज दिस साइन इन ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें एक पासवर्ड देना पड़ेगा, तब हम विंडोज हेलो पिन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, फिर ऐड करते हैं। यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड देना है, तो मैं अभी पासवर्ड रख रहा हूँ 1234। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने क्या पासवर्ड दिया है, फिर कंफर्म करते हैं इसी पासवर्ड को 1234। फिर ये पासवर्ड हिंट बता रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी ए बी दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट में जाते हैं, फिर फिनिश करते हैं। अब मैं यहाँ से विंडोज हेलो पिन में क्लिक करके फिर ऐड करेंगे यहाँ पे, ये मेरा लैपटॉप का नेम है, फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, जो मैंने अभी पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड मुझे देना है 1234। फिर यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब मुझे अपने लैपटॉप का पासवर्ड देना है, यहाँ पे पिन देना है। तो आप यहाँ से इंक्लूड्स लेटर्स एंड सिंबल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंबल और लेटर्स भी दे सकते हैं। अभी मैं न्यू पिन बना रहा हूँ लैपटॉप के लिए। फिर यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देते हैं 4321A। फिर कन्फर्म पिन में फिर हम जाते हैं, फिर देते हैं 4321A। यहाँ से हम देख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद मेरा ये पासवर्ड लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। फिर मुझे यदि चेंज करना है या रिमूव करना है पासवर्ड अपना चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या रिमूव करना है हमें हटाना है ये पिन को, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अब जब हम अपने लैपटॉप को फिर ओपन करेंगे तो इसमें हमें पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा 4321। अभी मैंने दिया था ए, अब मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा लैपटॉप अब ओपन हो गया। इस तरह से हम अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा सकते हैं।